हजारों साल नरगिस अपनी बेदूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेदूरी पे रोती है, बड़ा मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कहना चाहूंगा कि आप लोग तो चौथे स्तर पे जीरो टू हीरो आप बनाते हैं, हीरो टू जीरो आप बनाते हैं, तो क्या जाएगी? शराब शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर देती है। शराब बुराई नहीं बल्कि बीमारी है, और बल्कि सामाजिक और सामाजिक बुराई और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने हरदम आंदोलन किया है, और मुख्यमंत्री गांधी के राह पर बिहार को ले जाना चाहते हैं। और जनता दल यूनाइटेड के गोपालगंज इकाई ने आज प्रमंडलीय प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होटल आरपी ग्रैंड गोपालगंज में किया। इस अवसर पर नवनियुक्त अध्यक्ष आदित्य शंकर शाही ने सभी आगंतुकों का स्वागत फूल मालाओं से किया, जिसके बाद वरिष्ठ जदयू नेता मंजीव सिंह ने बताया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बाल विवाह, नशा मुक्ति एवं दहेज प्रथा के खिलाफ शुरू किए गए समाज सुधार यात्रा के बारे में आम लोगों तक संदेश पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी की जो समाज सुधार की विचारधारा थी, आज नीतीश कुमार उसी महात्मा गांधी की विचारधारा को अपनाकर समाज को नशा मुक्त एवं बाल विवाह तथा दहेज प्रथा से मुक्त करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम सभी कार्यकर्ता एवं नेता उन्हें बधाई देने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आज महात्मा गांधी के ऐतिहासिक भक्ति चंपारण से समाज सुधार अभियान की उन्होंने शुरुआत की है। समाज सुधार अभियान में नशा मुक्ति अभियान, बाल विवाह उन्मूलन तथा दहेज प्रथा के खिलाफ समाज सुधार अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने किया है। बिहार महात्मा गांधी के राह पर आगे बढ़ चुका है, और नीतीश कुमार की विचारधारा जो महात्मा गांधी की विचारधारा थी, उसी विचारधारा पर आज नीतीश कुमार की विचारधारा समाज सुधार की है, और शुरू से नशा मुक्ति की ओर बिहार को ले जाने का ऐतिहासिक जो आदरणीय नीतीश कुमार ने प्रयास किया है, वह महात्मा गांधी ने यही सपना और संदेश पूरे देश दुनिया को उन्होंने दिया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि देश में शराबबंदी लागू नहीं होगी तो हमारी स्वतंत्रता गुलामी बनकर रह जाएगी। शराब शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर देती है। शराब बुराई नहीं बल्कि बीमारी है, और बिहार में 2016 से जो शराबबंदी हुई उससे आपराधिक घटनाएं घटी हैं, उससे लोगों की आमदनी बढ़ी है, उससे बीमारियों में कमी आई है, और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जो नीतीश कुमार ने लड़ाई लड़ी है, राजनीतिक दलों में देश में सबसे पहली पार्टी जनता दल यू है, जो नीतीश कुमार केवल राजनीतिक कार्यक्रमों में ही नहीं बल्कि सामाजिक और सामाजिक बुराई और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने हरदम आंदोलन किया है, और कई यात्राएं मुख्यमंत्री जी ने की है, न्याय यात्रा से लेकर, विकास यात्रा से लेकर, प्रवास यात्रा से लेकर, और आज के दिन में समाज सुधार यात्रा पर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी का लगातार यह अभियान बिहार और बिहार की जनता के प्रति चलते रहता है। मुख्यमंत्री गांधी के राह पर बिहार को ले जाना चाहते हैं, और यही नहीं, जो बिहार आज अमल कर रहा है समाज सुधार की दिशा में, आने वाले दिनों में पूरा देश और विश्व इस बात को अमल करेगा। इसके लिए सारण प्रमंडल की ओर से इस समाज सुधार अभियान का जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत किया है, इसके लिए हम लोग पूरी पार्टी की तरफ से उनको बधाई देते हैं। उनके अभिनंदन स्वागत के लिए तीनों प्रमंडल के लोग हम लोग एकजुट हैं। भव्य मुख्यमंत्री जी का हम लोग स्वागत भी करेंगे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ा मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। उसी शख्स का नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जी ने जिस ईमानदारी के साथ समाज के हर तबके को लेकर चले, और सबसे बड़ी बात ये कि पिछले 16 साल में कोई नरसंहार नहीं हुआ, अमन चैन रहा, कोई छुटपुट घटना भी हुई तो उसको कंट्रोल कर लिया। तो मैं तो प्रेस और मीडिया के माध्यम से ये मांग करता हूँ, और इसकी लड़ाई भी मैं लड़ूँगा, कि उनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए सामाजिक समरसता को बरकरार रखने के लिए। आज वो गोपालगंज में आ रहे हैं 24 दिसंबर को, समाज सुधार जो उनका चल रहा है अभियान, उसमें मैं यही सिर्फ यही कहूँगा कि आज़ादी के बाद बिहार में ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं मिला जो इतनी यात्रा किया हो, और आज उनकी यात्रा समाज सुधार के ऊपर चल रहा है, चाहे वो शराब बंदी हो, चाहे वो बाल विकास हो, या
जिस तरह की भी समाज में त्रुटियां हैं, जो पूर्व काल में जैसे कि बिहारी बिहार के शेक्सपियर, भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर, या उसके पहले गौतम बुद्ध, या उसके पहले जितने भी लोग हैं, हमेशा चाहा कि समरसता बरकरार रहे और समाज की जो त्रुटियां हैं वो ख़त्म हो। आज उसी के राह पे, राम लोहिया के राह पे, गांधी जी के राह पे, मौलाना मजहरुल हक साहब की आज जयंती भी है, 155वां जयंती। उस अवसर पे जिस तरह से नीतीश कुमार जी अपनी यात्रा शुरू किए हैं, मैं उनकी सफल यात्रा की कामना करता हूँ और सहारनपुर मंडल के तरफ से हम लोग उनका अभिनंदन हेलीपैड पर करेंगे और ये शपथ लेंगे कि हम लोग किसी भी कीमत पे शराब का जो है वो सेवन हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में नहीं होगा, और उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ।